You don't always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go, and see what happens. That place is called Vaishno Devi. So what's up guys, this is Ayushman here, welcome to brand new video. So guys, आज हम लोग जाने वाले चढ़ाई करने के लिए और अभी के कुछ अराउंड 6 o'clock या 6:30 हो रहे और जस्ट मेरे बैक साइड में टेम्पल है देवी माता का. सो अराउंड हम लोग को कुछ तो 8 to 9 hours लगता है ऊपर चढ़ाई करने के लिए. उससे कम भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि वो अपने स्पीड पर होता है. और आज जो भी अपडेट्स रहेगा मैं आप लोग को सब कुछ बता दूंगा, आपको कैसे चढ़ाई करना है कोविड सिचुएशन में. एंड ये जस्ट मेरे बैक साइड्स में होटल है और मैं यहाँ पर आया हूँ. सो लेट्स गो, मैं जो भी रहेगा मैं आप लोग को बताता हूँ. हाँ, और एक चीज़, तुम लोग को पासिस बुक करना होगा ऊपर टेम्पल पे जाने के लिए. वहाँ पर तुम लोग को मैं ऑनलाइन लिंक दे दूंगा, वहाँ पर सारे पासिस का बुकिंग्स एंड ऑल होता है. सो लेट्स गो, मैं आज आप लोग को अपडेट्स दे दूंगा. पीस आउट. सो गाइस, हम लोग ने अभी होटल से चेकआउट कर लिया है और अभी हम लोग नीचे जाने वाले और फिर मैं आगे के आपको अपडेट देगा. हम लोग को यहाँ से रिक्शा या व्हीकल कुछ तो करना होगा आगे जाने के लिए. सो लेट्स गो. सो गाइस, ये हम लोग के बैक साइड में जो है वो बाल गंगा तक आप लोग को छोड़ेगा और ये हम लोग का मॉर्निंग में होटल, क्योंकि मैं आप लोग को दिखा नहीं पाया था. होटल बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. एंड जो भी चार्जेस रहेगा मैं आप लोग को बता दूंगा. सो और यहाँ पर माता का मंदिर है ये वाले पहाड़ पर. सो अभी जाते हैं और देखते हैं, लेट्स गो. तो गाइस, ये मंदिर का एंट्रेंस पॉइंट है जस्ट मेरे बैक साइड में और यहाँ से तुम लोग को पासेस लेना है. जो तुम लोग ने पासेस लिया था वो दिखा कर अंदर आप लोग को लेंगे. दर्शन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बज रहे हैं 7:00 o'clock. और ये वाले रास्ते में क्राउड बहुत होता है तो बिकॉज ऑफ दिस खच्चर एंड पिट्टू तो पीपल ऑफ टू गो दैट वे. लेकिन कुछ मंदिर है जो आपको ये पुराने रास्ते पर मिलेंगे, सो हम पुराने रास्ते से जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. गाइस, जैसे जैसे तुम लोग चढ़ान करोगे वैसे वैसे बहुत अच्छा व्यू मिलेगा. एंड मैं तुम लोग को सिनेमैटिक मूवमेंट दिखा रहा हूँ कैसे है यहाँ के व्यू एंड और. सो चलते रहते, लेट्स गो. गाइस, जस्ट मेरे बैक साइड में इच्छापुरा माता का मंदिर है और तुम लोग ये व्यू देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है. एंड मैं आप लोग को तुम लोग को सिनेमैटिक वीडियोस दिखा दूंगा. सो लेट्स गो. वैष्णो देवी इज अ प्लेस वेर यू कैन फाइंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स फॉर सेम रीजन इन एवरी सीजन. सो गाइस, तुम लोग देख सकते हो बैक साइड का व्यू, ऐसा बहुत ही अच्छा अच्छा काफ़ी व्यू है यहाँ पर और मेरे साइड में भी यहाँ पर टेंपल है. एंड अभी कंटिन्यू करते हैं. जितना आराम से जाओगे उतना अच्छी तरह पहुंचोगे, सेफली पहुंचोगे.
वी डोंट गो एम्प्टी स्टमक बिकॉज इट विल लीड टू एसिडिटी. मैंने बहुत बार ऐसे कर दिया और ऊपर जाके मैं बीमार हो जाती हूँ क्योंकि ठंड भी बहुत होती है. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि खा के पीते चलो. और यहाँ फ्रूट सैलड अवेलेबल है, यू कैन हैव दैट. एंड सेकेंडली अभी 1.5 किलोमीटर में हम अर्धकुमारी पहुंच जाएंगे एंड अभी सिर्फ 1.5 आवर हुआ तो हमें लगता है हमारी स्पीड बहुत अच्छी है कि हम 1.5 में अर्धकुमारी के. सो गाइस हम लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना प्यारा और कितना अनोखा व्यू है. एंड ऐसे ही जितने ऊपर जाओगे तुम लोग और उतने अच्छे व्यूज मिलेंगे. एंड अभी कुछ 1 किलोमीटर रिमेनिंग है अर्धकुमारी के लिए और हम लोग वही क्लाइम कर रहे हैं. सो लेट्स गो. गॉड ऑलवेज हैज समथिंग फॉर यू. A key for every problem, a relief for every sorrow, and plan for every tomorrow. So guys, हम अर्धकुमारी पहुंच गए. अभी थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए. और आप देख सकते हो कोरोना होकर भी इतना ज़्यादा क्राउड है. मतलब माता के दरबार में कोविड और ये सब कुछ भी नहीं है. सभी का इतना श्रद्धा है कि सभी लोग विजिट कर रहे हैं. So guys, ये एक टॉप एंगल का व्यू है अर्धकुमारी का और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है. तुम लोग को मैं एक इसका बी रोल दिखा दूंगा. सो लेट्स गो. अभी जाते नीचे एंड माता के दरबार में जाते हैं. माँ वैष्णो देवी का ये मंदिर त्रिकुटा माउंटेन पर रिसाइड हुआ है. त्रिकुटा माउंटेन पर अर्धकुमारी है और भवन भी है. तो इसके बिहाइंड अर्धकुमारी के बिहाइंड ये स्टोरी है कि उन्होंने गांव में भंडारा रखाया था. उनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था. तो सभी गांव के लोग और आसपास के लोग भंडारे में आए हुए थे. तो वैसे ये जो भैरव है ये भी आए हुए थे भंडारे में. लेकिन वो डिमांड करने लगे कि मुझे मांस खाना है, मांसाहारी खाना का डिमांड कर रहे थे. तो माँ वैष्णो देवी ने उनसे मना कर दिया कि ये आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ये भंडारा है, यहाँ आपको सिर्फ शाकाहारी खाना मिलेगा. तो भैरव बाबा को बहुत गुस्सा आ गया और वो माता रानी के पीछे भागने लगे. फिर माता वैष्णो देवी भागते भागते इस गुफा अर्धकुमारी का जो गुफा है यहाँ पहुँच गई. और उन्हें पता था कि वो उतनी शक्तिशाली नहीं थी उस वक्त. तो उन्होंने 9 मंथ्स इस गुफा में तपस्या की और स्ट्रांग बनने की और भैरव बाबा का विनाश करने के लिए. और जब इस वक्त वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को बोला था कि आपको मेरी रक्षा करनी है और इस भैरव को इस गुफा के अंदर आने नहीं देना है. तो ये इस गुफा की स्टोरी है. Very much blessed and privileged to visit Vaishno Devi again and hope to visiting it until my last breath. So just to dedicate, I would like to say a quote that God is the best listener. You don't need to shout nor cry out loud because she hears even the very silent prayer of our sincere heart. So Jai Mata Di. सो गाइस अभी अराउंड 3 किलोमीटर रिमेनिंग है वैष्णो माता टेम्पल जाने के लिए. और आप लोग ने मेरे पहले वाले वीडियोस में देखा रहेगा मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था. बट इस बार मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा. पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है. मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ठंडी था इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रहा था. और इस बार तो ऐसा लग रहा है हम लोग 2 राउंड भी मार सकते वन डे के अंदर. एंड ये अभी जस्ट तुम लोग मेरे बैक साइड में कार देखोगे, ये कार से भी आप लोग जा सकते हो बट मुझे वॉक करके जाना था इसलिए मैं वॉक करके जा रहा हूँ. एंड इसका जो भी प्राइसिंग रहेगा मैं आप लोग को बता दूंगा. सो लेट्स बिगिन, आगे कंटिन्यू करते हैं. सो गाइज यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर का भी व्यवस्था है. 1800 में हेलीकॉप्टर्स है. सिर्फ ऊपर से आपको नीचे तक ड्रॉप करेगा हाफ रास्ते पर. और इसका भी कुछ मुझे डिटेल्स मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एंड मेरे जो ओल्ड वीडियो है उसका भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा. एंड तुम लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. इतना सारा
अपडेट्स एंड ऑल आपको मैं बता रहा हूँ। सो लेट्स गो, देखते आगे का कैसा है, कंटिन्यू करते वीडियो को। बंदर, लंगूर सब मिल जाएगा तुम लोग को यहाँ पे, और वो लोग से थोड़ा डिस्टेंस कवर करके रखना, क्योंकि वो लोग जो भी आपके पास होगा खाने पीने का सामान वो छीन लेते और बहुत परेशान करते थे, बहुत इरिटेट करते वो लोग। इसलिए जितना हो सके उतना वो लोग से डिस्टेंस कवर करके रखिए। सो गाइस, हम लोग ने इतना सब कुछ चढ़ाई करने के बाद यहाँ पर पहुँचे। जस्ट मेरे बैक साइड में टेंपल है और अभी हम लोग टेंपल के अंदर विजिट करने के लिए जाने वाले। सो मैं आगे का तुम लोग को अपडेट दिखाता हूँ। जस्ट ये देखो, मेहनत इतना करने के बाद इतना सफल हो गया। लेट्स गो। फाइनली अभी हम लोग का दर्शन हो चुका और अभी इसके ऊपर एक और टेम्पल है, फिर हम लोग अभी वहाँ पर जाने वाले। एंड काफ़ी अच्छी तरह दर्शन हो गया। एंड तुम लोग को मास्क वेयर करना है जब अंदर आप लोग जाओगे तभी। सो अभी आगे का मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ। गॉट द अल्टीमेट सक्सेस बाय रीचिंग द भवन। सो द स्टोरी बिहाइंड भवन इज, यहाँ पर तीन पिंडी है। मैंने आपको पहले बताया कि ये तीनों पिंडी माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी और माँ काली जी का है। तो ये वही प्लेस है जहाँ भैरव बाबा का विनाश हुआ था, जब माता रानी ने 9 मंथ्स तपस्या कर लिया था अर्धकुमारी पर, फिर वो भैरव का विनाश करने आए थे। क्योंकि भैरव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, बाकी सभी लोग परेशान हो चुके थे उनसे, और उन्होंने त्रिशूल से इस तरह वार किया भैरव बाबा पे कि उनका जो सर है वो 3 किलोमीटर टॉप पर पहुंच गया और उनका बॉडी यहीं रह गया। फिर बाद में जाकर वो माता रानी से क्षमा मांगने लगे, तो उनकी इच्छा पूर्ति करते हुए माता रानी ने ये कहा कि मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी भक्त यहाँ आएगा वो तुम्हारे, अगर वो तुम्हारा दर्शन नहीं करता है तो उसका जो इच्छा रहेगा, उसकी जो भी मानता, जो भी इच्छाएँ रहेगी वो पूरी नहीं होगी। तो अगर आप भी वैष्णो देवी विजिट करते हो, अगर आप भवन तक आते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भैरव बाबा का भी दर्शन कीजिए। मैंने आप लोग को वहाँ पर स्टार्टिंग में बोर्ड दिखा दिया होगा, तो वो टाइमिंग है अर्धकुमारी का। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, ज़्यादा क्राउड नहीं था अंदर, पर पर्सन को 5 to 10 seconds मिल रहे थे, लेकिन इतना भी बहुत ज़्यादा होता है, सब कुछ किया। काफ़ी अच्छा दर्शन है, मैंने आप लोग को पहले बताया था। एंड अभी दर्शन करते और फिर कंटिन्यू करता मैं वीडियो। बैक साइड में एंड फिर यहाँ से एंट्रेंस में आप लोग को दिखा दूंगा कैसा गाड़ी होता है। जाने का भी वही है, आपको पर पर्सन 100 रुपीस लगेगा। एंड ये जो पॉइंट है इसको ओम व्यू पॉइंट बोला गया है, आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है।
और ड्यूरिंग स्नोफॉल जब विंटर्स होते हैं, आई कांट से यू, हमने पहले भी विजिट की है, आप पूरी जगह देखोगे माउंटेन के टॉप पर स्नोई कि आप खड़े भी नहीं रह पाओगे, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, आप देख सकते हो। एंड अभी हम लोग नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अब हम भवन जाने वाले हैं एंड अगेन वी आर गोइंग बाय वॉकिंग, हम कोई खच्चर या कोई पिट्ठू ये नहीं लेने वाले हैं। सो लेट्स गो। गाइज, मैं आधा से ज़्यादा पीछे उतर चुका हूँ, मतलब अर्धो कुमारी के लिए। अभी यहाँ पर हम लोग को दर्शन करना है एंड बहुत ही इजी तरीके से नीचे उतरते हैं, क्योंकि जब नीचे उतरते हो ना आप लोग, सो वो बहुत ढलान होता है, सो इसलिए हम लोग ना बहुत जल्दी उतर जाते हैं। एंड यहाँ पर नॉइज म्यूजिक एंड ऑल रहता है, तो फिर ऐसा कुछ लगता नहीं है अकेले होने का फीलिंग्स। और मिलते हैं आप लोग को अर्ध कुमारी में। लेट्स गो। बोल, आप देख सकते हैं हमारे बैक साइड में अर्ध कुमारी है और हम लोग यहाँ पर 7 o'clock तक आ गए, रीच हो गए यहाँ पे, बट अभी बंद है क्योंकि ये क्लीनिंग हो रहा है और 2 hours बंद होता है, तो अभी हम वेट करने वाले, हाफ एन आवर वेट करते हैं, उसके बाद हमारा क्यू आ जाएगा। एंड तुम लोग ने सनसेट के वीडियोस देखे रहेंगे, कैसा लगा सब कुछ बताना, कमेंट करके। यहाँ का नेचर इट्स रियली अमेजिंग, मतलब ऐसा ब्यूटी मैंने कहीं नहीं देखा है, मुंबई में तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो गाइस, तुम लोग देख सकते हो कितना प्यारा सनसेट हो चुका है एंड हम लोग वहाँ पर मंदिर में नहीं जा रहे क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा और हम लोग का कल और भी बहुत सारा प्लान है, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। और ये सनसेट बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, तो आगे जाते हैं और देखते हैं। गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ एंट्रेंस पे, 9 o'clock को पहुंचा मैं, मतलब मैंने सुबह 7 o'clock से चढ़ाई चालू किया था और रात को 9 o'clock तक पहुंचा हूँ एंड बहुत अच्छा टाइम था। और उतरते हुए मैंने इतना ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था इसलिए, एंड बस इसलिए नहीं ब्लॉग किया। अभी कंटिन्यू करूँगा नहीं तो फिर लीव कर दूंगा मैं। और अगर तुम लोग ने अभी तक यहाँ पर वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ तुमको किस टाइप का वीडियोस चाहिए, ट्रैवल वीडियोस में एंड मार्केट वीडियोस में। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो।